मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में कुछ एंट्रियां सीखी थी, एंट्रीज कर ली है आप लोगों ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 ए जो रह गया था उसको अब पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ए कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। अब सबसे पहले जो आगे का पार्ट रह गया था वो करते हैं। कहां तक हो गया था? 23 अप्रैल तक हुआ था। सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये हो गया था, ठीक है। अब आगे करते हैं। चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक डेज ऑनर, सोहन ने हमें एक चेक दिया था उसकी हमने एंट्री क्या की थी? जब चेक मिला था एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, बैंक के सामने 7800, डिस्काउंट अलाउड के सामने 200 और सोहन के सामने 8000, ये एंट्री थी। अब वो डिस ऑनर हो गया, मतलब वो चेक खराब हो गया, तो जो आपने एंट्री पास की थी उसको रिवर्स कर दीजिए। तो एंट्री क्या होगी रिवर्स करने के बाद? फॉर्मेट आप लोग का पता ही होगा, मैं फॉर्मेट फिर से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो करना कॉपी से डेट क्या है? अप्रैल 23, ठीक है। एंट्री क्या होगी? रिवर्स करनी है, ठीक है। सोहन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। 8000, 7800 एंड 200 बीइंग सोहन्स चेक रिटर्न डिसऑनर, ठीक है। तो जब भी डिसऑनर की बात आती है तो आप जो एंट्री पास करते हैं उसको हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये 23 अप्रैल हो गया, नेक्स्ट क्या है? ये है 27 अप्रैल, ठीक है। अब क्या डेट है? 28 अप्रैल। दिनेश वॉज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन आरोपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। दिनेश एक पार्टनर है, ठीक है। दिनेश एक पार्टनर है जिसको हमें कितना पैसा मिला है? सिर्फ 60 पैसा। क्या हुआ? जाना है दिनेश वॉज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। अब दिनेश से कितना पैसा लेना था? दिनेश से 14,000 रुपीज लेना था, ठीक है। उसने कहा हम सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा दे पाएंगे? 1 रुपए में 60 पैसा, मतलब 60%, ठीक है। जब भी कभी बोला जाए कि 30 पैसा इन रूपी, 20 पैसा इन रूपी, 40 पैसा इन रूपी, इसका मतलब वो परसेंटेज की बात कर रहा है। यहाँ कितना बोला? 60 पैसा इन रूपी, मतलब 60% देगा, बाकी वो नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बैड डेट फिलिंग करवाया था कल क्लास का ना, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश, ठीक है। दिनेश से कितना चाहिए था? 14,000 चाहिए था। 14,000 का सिर्फ 60% दिया है, तो कितना आएगा? 14,000 का 60%, 14,000 × 60/100, 00 कैंसिल, 00, 6 × 4, 24 कैरेट टू, 6 × 6, 8, 8400 उसने पैसा दिया, तो कितना नहीं दिया? 5600 उसने नहीं दिया। जो नहीं दिया वो क्या हो गया? आपका बैड डेट हो गया, ठीक है। बात समझ गए? तो अब इसकी रिलेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट रिसीव एंड बैड डेट रिकॉर्डेड, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री ये हो गया 28 अप्रैल। अब है 30 अप्रैल, ठीक है। क्या बोलता है? बैंक अलाउड एंट्रेंस 350, पेड फॉर रेंट बाय चेक 1500 एंड
पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक 500। तो तीनों ही खर्चे हैं और तीनों कैसे पेमेंट हो रहा है, बैंक से। तो तीनों की एंट्री हम कंपाउंड कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या है रेंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड, फिर क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सारा एक्सपेंस हम कैसे पे कर रहे हैं, बैंक से। इंटरेस्ट कितना है 350, रेंट कितना है 1500 और ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500। तो कितना पेमेंट हो गया 2350। ठीक है, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय चेक। ठीक है, ये आपकी लास्ट एंट्री थी। नरेशन नहीं दिख रहा है, नरेशन यहां लिख लेना, यहां जो नरेशन लिखा हुआ है वो है बीइंग एक्सपेंस पेड बाय चेक। ठीक है, अब आगे तो इसमें हमने यहां तक वो कहते हैं कौन सा छुड़वाया था इस क्वेश्चन में, सेकेंड अप्रैल में छुड़वाया था उसके जोन कर दो, वो नहीं करना। फिर उसके बाद हमने कौन सा छुड़वाया था, हाँ अप्रैल 8 और अप्रैल 10 वाला क्वेश्चन छुड़वाया था। ठीक है, इसको अब कर लेते हैं। अप्रैल 8, ठीक है अप्रैल 8। अब अप्रैल 8 और अप्रैल 10 साथ में पढ़ना। अप्रैल 8 में क्या लिखा हुआ है, गुड सोल्ड एंड रिसीव अ चेक, हमने गुड्स बेचा और चेक मिला। डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, और वो चेक हमने क्या कर दिया, बैंक में कब जमा किया है 10th को, तो जिस दिन रिसीव हुआ है उस दिन जमा नहीं किया है, तो उस दिन हम क्या बोलेंगे चेक इन हैंड, और जिस दिन डिपॉजिट करेंगे उस दिन की अलग एंट्री। तो यहाँ पर दो एंट्री होगी, 8 अप्रैल की एंट्री हो गई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स बेचा और हमें चेक मिल गया, कितना है 8000। बी चेक रिसीव, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं 10 अप्रैल को ये चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट 8000। नरेशन क्या होगा, बीइंग अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, बात समझ में आई, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, 12th ए आपका कंप्लीट हो गया। जो मैंने छुड़वाया हुआ उसको इग्नोर करिए, इसको पूरा प्रॉपर कॉपी पूरा करिए और नीचे बैलेंस कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक हो गया है पूरा, कुछ नहीं बचा हुआ है इसमें, इसमें कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है उसको पूछ लेना। तो 12 ए पूरा हो गया है आपका और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू क्लास, तो कंप्लीट करना।